<سؤال> الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله बसमिल्लर रहीम नहमदहूअनसली रसूलहल करीम अम्माबाद अलमकुम व्लि वबरकू फैज़ान शमशिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने अहबाब को खुतबात गौसल अजम से अड़तालीसवा खुतबा पढ़ कर सुनाऊँगा उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में अखलास पैदा करने की तौफीक अल्लाह सुबहान जरूर मरहमत फरमाएंगे। चलिए पढ़ते हैं पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हजरत सैदी अबू महमद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्ला ने अपने इस खुतबे में फ़रमाया सरकार दो नूर मुजस्म सल्ला तल ही व आलही वसलम ने इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा है जिस शख़्स ने अपना बनाव सिंगार इस चीज़ से किया जिसको मखलूक़ पसंद करती है और अल्लाह ताला से इस चीज़ के साथ मुकाबला किया जिसको अल्लाह ना पसंद करता है तो वो अल्लाह ताल से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताली इस पर सख्त गज़बनाक होगा अय मुनाफो तुम कलाम नबूवत को समझो दुनिया के बदले में आखिरत को बेचने वालों मखलूक के बदले में खाल को बेचने वालों और बाकी को फानी के बदले में बेचने वालों तुम्हारी यह तिजारत बड़े खसारे की है और तुम्हारा असल माल भी गारत हो गया तुम पर अफसोस है कि तुम अल्लाह ताला के गुस्से और गज़ब का निशाना बने हुए हो क्योंकि जिस शख़्स ने लोगों के खातिर ऐसा बनाओ सिंगार किया जो दर हकीकत इसमें नहीं है तो इस पर अल्लाह ताला गजबनाक होता है तुम मक्कारी ना करो तुम अपने जाहिर को आदाब शरीयत से संवारो और अपने बातिन को इसमें मखलूक को बाहर निकालो यानी बातिन से मखलूक को बाहर निकाल देने से संवारो मखलूक के दरवाज़ों को बंद कर दो और इनको अपने दिल से फना कर दो गोया के ख्याल ना करो तू तो बदन को सवारने में मशगूल है और तूने दिल की आरास्तगी को छोड़ रखा है दिल की जीनत तोहीद और इखलास और अल्लाह ताला पर भरोसा करने और अल्लाह ताला की याद करने और गैरुल्ला को भुला देने में है हजरत सैदना सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया अमलसाल ज़ी ला لا अन तुहमद अल ही यानी नेक अमल वही है जिस पर तारीफ़ किए जाने को महबूब ना रखे कि लोग तेरी तारीफ़ करें आखिरत के अतबार से बेवकूफ़ हो दीवानों और दुनिया के अतबार से अकलमंदो ये अकल ऐसी है जो तुम्हें फ़ायदा न देगी तो ईमान को हासिल करने में कोशिश कर तुझे ईमान हासिल हो जाएगा तौबा कर और माजरत कर और नादिम हो और अपनी आँखों से आंसू अपने रुखसारों पर बहा क्योंकि अल्लाह ताला के खौफ से रोना गुना हो और गज़ब खुदाबंदी की आग को बुझा देता है जब तू दिल से तोबा करेगा तो सच्ची तोबा का नूर तेरे चेहरे पर चमकने लगेगा तेरा चेहरा रोशन हो जाएगा अल्लाह के बंदे तो अपने रास को छुपाने में जब तक कि तू उसकी हिफाजत पर ख़ादिर है कोशिश कर बस जब तू मगलूब हो जाए और राज जाहिर हो जाए बस उस वक्त तू माजूर है मोहब्बत पर्दा और सत्र की दीवारों हया की दीवारों वजूद और मखलूक की नज़र करने की दीवारों को ख़राब और वीरान कर दिया करती है जो शख्स बनावट करके मसनवी वजद में आए इसको बाहर निकाल देने का हुक्म दिया गया है और मौकफ़ मغلوب जिस पर बे अख्तियाराना हाल तारी हुआ हो इसके क़दमों की खाक का सुमा बनाया जाता है क्योंकि बनावट नफसानी अम्र है और गलबा बे अख्तियारी अम्र है वो मखलूक़ के दिखाने का है और ये रब ताला की तरफ मनसूब है तो इस बात की कोशिश कर कि तू ना रहे बल्कि सिर्फ वही रह जाए तो उसकी कोशिश कर कि ना अपने से नुकसान की रफ़ा करने में हरकत कर और ना अपने नफा के हासिल करने की कोशिश कर बस जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला तेरे लिए एक खिदमत गार मुकर कर देगा जो कि तेरी खिदमत किया करेगा और तुझ से तकलीफदार चीज़ों को दूर करता रहेगा तो अल्लाह ताला के साथ इस तरह हो जा जैसा कि मुर्दा नहलाने वाले के साथ कि जिस तरह चाहता है पलटता है और जैसे असहाब कहफ रजी अल्लाह तहुमा जब्राई सलाम के साथ तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में फिल जुमला बग़ैर वजूद और बिला इख्तियार और बग़ैर तदबीर के ठहरा रहे तो अल्लाह ताला के हजूर में ख़ा व कदर के बोझों के उतरने के वक्त अपने ईमान व यकीन के ख़दमों पर ठहरा रहे के ईमान तकदीर के साथ ठहरा रहता है और साबित रहता है और नफाक भाग जाता है मुनाफिक पर जब चंद दिन और रातें गुजरती हैं तो उसका जिस्म दुबला हो जाता है और उसका नफ्स और ख्वाहिश और तबीयत फरबा हो जाती है और इसके बातिन और दिल की आँखें अंधी हो जाती हैं इसके घर के दरवाज़ा आबाद हो जाता है और उसका अंदरूनी हिस्सा वीरान और उसका अल्लाह ताला का ज़िक्र करना सिर्फ़ ज़ुबान से होता है ना कि दिल से इसका गुस्सा सिर्फ़ अपने नफ्स के लिए होता है ना कि अल्लाह ताला के लिए लेकिन मोमिन शख्स इस बरखिलाफ़ होता है मोमिन शख्स अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान और दिल से करता है और अक्सर अवत इस दिल इसका दिल जाकिर होता है और उसकी ज़ुबान सुकून में होती है मोमिन शख्स का गुस्सा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल अल्लाह त आलि वसलम की खातिर होता है ना कि अपने नफ्स और ख्वाहिश अपनी तबीयत और अपनी दुनिया की खातिर और ना नामिन हसद करता है और ना ही खुशहालों से इनकी खुशहाली पर झगड़ा करता है अल्लाह के बंदे तो इस बात से अपने आप को बचा फिर बचा के तू किसी खुशहाल से झगड़ा करे क्योंकि वो तो सलामत रहेगा और बुलंद हो जाएगा और तू दुश्मनी और झगड़े से हलाक हो जाएगा और गिरता जाएगा और जलील ख़्वार होगा तो अपने झगड़े से इसकी खुशहाली को किस तरह मुतैर कर सकता है हालांकि अल्लाह ताला का इल्म पहले ही से इसकी इस खुशहाली के मुतालिक हो चुका है जब तो अल्लाह ताला के इल्म साबिक के मुतालिक जो तेरे और दूसरों के बारे में साबिक हो चुका है अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा तो अल्लाह ताला की नज़र करम से गिर जाएगा और तुझे तेरा अमल कोई फ़ायदा ना देगा जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है आमिलत नासीबतन यानि अमल करने वाले मशक्क़त उठाने वाले हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह खुद में तोबा कर मासूम दाना वही है जो गुनाहों से महफूज है इस बला की वजह से जिसको अल्लाह ताला ने तुझ पर उतारा है वो अल्लाह ताला की तरफ कसद करने से बाज नहीं रहता तो इस बला का अपने से टल जाने का मुंतज़िर रह अल्लाह ताला से उम्मीद मत हो क्योंकि एक सात के बाद दूसरी साथ में कुशादगी है क्योंकि कुल्ला योमिन हुआ फी शन यानि अल्लाह हर रोज़ एक जुदा शान में है वो एक कौम से दूसरे कौम की तरफ मुंतिल करता है तो अल्लाह ताला के साथ सब्र कर और तकदीर खुदावंदी पर राजी हो जा क्योंकि तू नहीं चाहता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई दूसरा अमर पैदा करे जब तू बला पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला तुझसे बला को हल्का कर देगा और तेरे लिए दूसरा ऐसा अमर पैदा फरमा देगा कि वो भी इसको पसंद करेगा और तू भी इसे महबूब समझेगा और जब तू जजा फज़ा करेगा और तकदीर खुदावंदी पर एतराज़ करेगा तो वो तुझ पर मुसीबत को भारी कर देगा और तेरे एतराज के वजह से अपना अजाब और गुस्सा ज़्यादा करेगा अय मुसलमानों तुम पर बला इस वजह से नाजिल होती है कि तुम अल्लाह ताला पर एतराज़ करते हो और इससे झगड़ा करते हो और अपने नफ्स और ख्वाहिश और अपनी अगराज के साथ क़ायम हो और दुनिया तुम्हें महबूब है और दुनिया को जमा करने पर तुम हरीस हो